दोस्तों, अगर आपने अपनी कंपनी में, फर्म में, किसी भी सेक्शन में किसी का टीडीएस अगर आपने काटा है तो उस टीडीएस को आपको ऑनलाइन डिपॉजिट भी करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम जो हमारी एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर हम विजिट करते हैं, और विजिट करने के बाद में जो हमारा टैक्स एप्लीकेबल है, वो चाहे वो कंपनी डिडक्टिव है चाहे वो नॉन कंपनी है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद हम आगे चलते हैं मोड ऑफ पेमेंट यानी कि नेट बैंकिंग की तरफ में। तो जैसे हम बैंक नेम पर क्लिक करते हैं तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो कुछ लिमिटेड बैंक के नाम ही यहाँ पर आ रहे हैं। उसके अंदर हो सकता है वो बैंक शामिल ना हो जो बैंक आप यूज करते हो। जैसा कि मान लीजिए मेरे पास पंजाब नेशनल बैंक है जो कि इस नेट बैंकिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है, तो मैं अब मेरा कंपनी का जो टीडीएस मैंने डिडक्ट किया है उसको ऑनलाइन किस प्रकार से डिपॉजिट करूंगा। तो अब थोड़ा सा नेट बैंकिंग को लेके मेथड अब चेंज हो चुका है, तो आपको वीडियो थोड़ा सा केयरफुली देखना पड़ेगा जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए कि अगर आपका बैंक नेम इस लिस्ट के अंदर शो नहीं करे और आपको टीडीएस डिपॉजिट करवाना कंपलसरी है तो आपको किस प्रकार से जमा करवाना है। तो वीडियो को अगर आप पूरा एंड तक देखोगे तो सारी कहानी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, वीडियो शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आगे भी नॉलेजेबल वीडियो लगातार मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी जरूर करना। तो दोस्तों, टीडीएस है या फिर टीसीएस है या फिर इनकम टैक्स है, अगर आपका बैंक का नाम जो आप यूज करते हो अगर वो इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आपको जो इनकम टैक्स की ऑफिशियली वेबसाइट है incometax.gov.in पे, तो इस पर आपको विजिट करना है। तो जैसा कि मैं यहाँ पर सिंपल इस पर क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं अगर यहाँ पर क्लिक करूंगा तो मुझे ये incometax.gov इसके वेबसाइट पर विजिट करूंगा। तो उसके बाद आपके पास कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है ई पे टैक्स के ऑप्शन पर। तो यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहेगा, तो इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल है, पैन का और टैन का। अगर आपने अपना इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई काम करना है तो पैन, अगर आपने कोई टीडीएस या फिर टीसीएस डिपॉजिट कराना है तो उस कंडीशन के अंदर आपको टैन नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो मैं मेरी कंपनी का टैन नंबर यहाँ पर डालता हूँ और उसके बाद एक बार आपको कंफर्म के अंदर सेम टेन नंबर आपका लिखना पड़ेगा, और उसके बाद के अंदर आप यहां पर कोई भी एक मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, जैसे कि मैंने दे दिया क्योंकि ये ओटीपी के लिए वेरीफाई करेगा, और उसके बाद यहां पर आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे हम यहां से कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल पे आएगा जो नंबर आपने यहां पर अभी दिया है। तो मैं यहां पर ओटीपी डालता हूं और उसके बाद में फिर वापस मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, और कंटिन्यू करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा, उसके अंदर आपकी कंपनी का टेन नंबर और प्रोपराइटर का नाम यहां पर आपको दिखेगा, और उसके बाद में वापस आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ई पे टैक्स का ऑप्शन आ जाएगा, और यहां पर आपको अपना असेसमेंट ईयर है जो सिलेक्ट करना पड़ेगा, कौन सा असेसमेंट ईयर है। तो जैसा कि मेरा 2023-24 में सिलेक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद के अंदर आपको पे टीडीएस, अब इसके अंदर से भी टीडीएस की डिटेल आ जाएगी और आपको यहाँ पे प्रसेट पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपसे न्यू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, और न्यू पेमेंट आने के बाद आपके पास वो सभी सेक्शन और कोड यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ से आइटम पर पेज के अनुसार आप 5, 10, 15 और मैक्सिमम 20 तक सिलेक्ट कर सकते हो एक लिस्ट के अंदर। तो आप जिस भी सेक्शन का यहाँ पर टीडीएस जमा कराना चाहते हो तो वो आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, अगर नहीं मिले तो यहाँ पर आगे भी आप फॉरवर्ड कर सकते हो उसको। तो उसके बाद जैसा कि मैं कमीशन पे अगर मैं टीडीएस जमा कराऊँ तो इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और देन उसके बाद में कंटिन्यू पे क्लिक कर। तो कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद के अंदर आपसे यहाँ पे टैक्स के अमाउंट, उसके पहले आपसे ये टैक्स की जो एप्लीकेबल जो मेजर हेड है वो आपसे पूछा जाएगा भी आप कंपनी के लिए डिडक्टिव हो या फिर अदर देन कंपनी। तो आप जो भी अवेलेबल एप्लीकेबल आपके ऊपर हो रहा है तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा, और उसके बाद में टैक्स की अमाउंट, मान लीजिए मैंने 100 यहाँ पर फिलअप कर दिया। उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो उसके बाद दो स्टेप आपने सक्सेसफुली कर लिए हैं, और जैसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो कुछ लोडिंग के बाद यहाँ पर हमारे सभी के सभी वो बैंक है जो अवेलेबल हो जाएंगे। अब इसके अंदर आपका नेट बैंकिंग डिटेल, डेबिट कार्ड, उसके बाद में
पे एट काउंटर्स आरटीजीएस एनईएफटी यानी कि काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल आपके पास यहाँ पर है टैक्स को डिपॉजिट कराने के लिए। और नेट बैंकिंग पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नेट बैंकिंग के अंदर वही बैंक आपको यहाँ पर शो करेंगे जो आपका इस ऑप्शन के अंदर सिलेक्ट नहीं हुआ था, और जो नाम यहाँ सिलेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पर नहीं दिखेंगे। तो इसलिए आप अपना अगर यहाँ पर नहीं दिखेंगे तो वो बैंक आपका यहाँ पर दिखेगा। तो जैसा कि मैं पीएनबी बैंक को सिलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, तो जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो उसके बाद में एक बार थोड़ा सा ये कंफर्मेशन के लिए पूछेगा और पे नाउ पर मुझे क्लिक करना है, और उसके बाद में थोड़ा सा इसको टर्म एंड कंडीशन को स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट के अंदर आई एग्री के चेक मार्क पे क्लिक करके सबमिट टू बैंक पर क्लिक कर देना है। तो जैसे इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे तो ये हमें डायरेक्ट हमारे उस बैंक की गेटवे साइट के ऊपर हमारा ले जाएगा जहां पर अब हमें यूजर आईडी और पासवर्ड हमें डालना है, और उसके बाद में जो भी आपकी बैंक की डिटेल है या फिर कॉर्पोरेट है जो भी आपको सिलेक्ट करना है सबमिट करना है, और सबमिट करने के बाद में अब आपको ले जाएगा उस बैंक की नेट बैंकिंग के साइट के ऊपर जहां से आप अपना बैंक का यूजर आईडी और पासवर्ड जैसा कि आज तक हम इस कंडीशन के अंदर लगाते आ रहे हैं। तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको लगाना है, जैसा कि अभी डायरेक्ट मुझे पंजाब नेशनल बैंक की वेबसाइट पर लगाया, अब मुझे आईडी और इसका कॉर्पोरेट आईडी और इसका यूजर आईडी यहाँ पर लिख के और कंटिन्यू करते हुए इसको आगे लास्ट में सबमिट करना है, तो उसके बाद हमारा चलान है जो सक्सेसफुली डिपॉजिट हो जाएगा। तो यानी कि जो बैंक आपको यहाँ नहीं दिखेंगे अब आपको वो इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाने के बाद अब सारे जो बैंक है जो इस नेट बैंकिंग के अंदर अवेलेबल नहीं है वो सारे के सारे अब आपको इस कंडीशन में दिखाई देंगे। अगर वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना।